देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और आज 28 साल के बाद सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ वो बस हो गया या फिर साजिश करके कराया गया, इस पर आज सीबीआई की विशेष अदालत फैसला देगी। अब से कुछ ही मिनट के बाद इस मामले में जज एसके यादव फैसला पढ़ना शुरू करेंगे। 32 आरोपी हैं जिन पर फैसला सुनाया जाना है, जिनमें कई हाई प्रोफाइल आरोपी हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी अदालत परिसर में नहीं मौजूद रहेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो हिस्सा बनेंगे। उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही इस कार्यवाही में शामिल होंगे, वो भी अदालत परिसर में मौजूद नहीं रहेंगे। लेकिन साध्वी रितंबरा, विनय कटियार, रामगोपाल वेदांती, तमाम लोग, रामविलास वेदांती, तमाम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त अदालत की कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए। किसी भी मिनट अदालत फैसला पढ़ना शुरू करेगी। संजय शर्मा वहां पर मौजूद हैं, हमारे साथ कुमार अभिषेक मौजूद हैं, हमारे साथ मौसमी सिंह वहां से मौजूद हैं, शिवेंद्र श्रीवास्तव मौजूद हैं, हिमांशु मिश्रा मुरली मनोहर जोशी के घर पर हैं और अशोक सिंघल लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर हैं। संजय शर्मा, कितनी देर है अदालत का फैसला आने में, बताइए। अदालत ने जो टाइम तय किया था उसमें 11 बजे का समय है कि 11 बजे फैसला पढ़ा जाएगा। इसमें बस अभी थोड़ी देर में खबर आ जाएगी कि जज साहब बैठ चुके हैं और फैसला शुरू पढ़ना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे पहले तो कन्विक्शन पर फैसला आएगा, यानी कौन कौन सी धाराओं के अंदर उन्हें पहले तो ये कि इसे अपराध माना है कि नहीं माना है, तो किस किस अभियुक्त को कौन कौन सी धारा के अंदर अपराधी माना है, किसको बरी किया है। इसमें ये फैसला देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर जो अभियोजन पक्ष ने अपने चार्जशीट में जो जो चार्जेज लगाए थे उसमें से कौन कौन से चार्जेज को अदालत ने बरकरार रखा है, कौन कौन से चार्जेज को बरी किया है या साइड किया है, उसको नहीं माना है, ये सारी चीज़ें देखना बहुत दिलचस्प होगा। साथ ही सबसे पहले अभी जैसा कि अदालत की प्रक्रिया में जिन 6 लोगों को अपने घर से या अपने जगह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसमें शामिल होने की छूट दी गई है, उन तमाम लोगों की तरफ से एक याचिका मूव की गई है, एक अर्जी लगाई गई है जिसमें उन्हें विभिन्न कारणों से अदालत की कार्रवाई में यहाँ फिजिकली यानी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पेश ना होने को लेकर खेद जताया गया है और मजबूरी जताई गई है। इसके साथ ही उनकी तरफ से अंडरटेकिंग दी गई है, अदालत का जो भी फैसला होगा, आगे जो भी सजा होगी उसमें वो पूरा सहयोग करेंगे, यानी कहीं भागकर जाने वाले नहीं हैं। लिहाजा उनकी तरफ से यहाँ पर यह दिया जाएगा कि उनको छूट दी जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अदालत की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं, वो अपना फैसला सुनेंगे, इसके बाद फैसला सुनाना शुरू कर दिया जाएगा। और सबसे पहले कन्विक्शन पर फैसला होगा, कन्विक्शन होने के बाद फिर मेरे ख्याल से हो सकता है कि खाने की छुट्टी के बाद या भोजनावकाश के बाद इस पर होगा, या फिर 1-2 घंटे का गैप देने के बाद फिर इस पर बहस होगी कि सज़ा क्या दी जाए। तो इसमें अभियुक्तों की तरफ से ये कहा जाता है, अमूमन जो प्रक्रिया है उसमें अभियुक्तों की तरफ से जिन्हें सज़ा सुनाई गई है उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि मिनिमम सज़ा दी जाए, और अभियोजन पक्ष कहता है कि नहीं, इनको मैक्सिमम सज़ा दी जाए। सज़ा का ऐलान भी आज ही होगा या केवल दोषी तय कर दिए जाएं, हो सकता है फिर सज़ा की बहस लंबी चले। जी हां, बिल्कुल,